केला का एक पेड़ लगा दिया, वो फल देता है, फिर बाद में बेकार हो जाता है। लेकिन अगर उसको काट देंगे ना जड़ के ऊपर से, तो उसके आजू बाजू से और कल्ले निकलते हैं, और फिर वो कल्ले हो पेड़ का रूप ले लेते हैं, और फिर उसमें फल आते हैं। तो दुष्ट की तुलना यहाँ केले के पौधे से की गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें प्रेम से समझाओ बात नहीं समझते, और जैसे ही घुड़क के बोलोगे ना वैसे ही समझ जाते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह की गलती करते हैं। कोई प्यार से कहा, ए बाबू बाबू, अरे मर गए का रे, जब जोर से आवाज देती है ना, अनाई बद मार दू डंडा सही हो जाए, तब जाके आवत है। प्यार से कोई बात कहो तो नहीं सुनते। समुद्र देवता भी कितने प्यार से भगवान मनाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं सुनते हैं। समुद्र देव अब उठ करके एक चौपाई बोलते हैं, प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर से सुनो ध्यान से, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। मतलब क्या, ये ऐसे लोग हैं कि इनको डंडा से जब तक नहीं पीटोगे तब तक ठीक नहीं होंगे। आप लोग तो हंस रहे हो, श्रद्धालु हो। दिल्ली में बड़ी बड़ी महिलाएं जो होती है ना, इस पर बहस करती हैं कि तुलसी बाबा ने क्यों ऐसा लिखा, क्या नारी ऐसी होती है जिसको पीटा जाए, क्या वो बुरी होती है कि उसको ताड़ा जाए। दुर्भाग्य से वो लोग अर्थ नहीं समझते हैं। ये हमारी लोक भाषा की शब्दावली में आने वाला शब्द है ताड़ना। आपने सुना होगा ना कि 5 वर्ष तक लालन करो, फिर उसके बाद बच्चे का ताड़न करो, थोड़ा बड़ा हो जाए तो। ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता है, ताड़े रहिए मतलब देखते रहिए, ऐसा कहते ना, ताड़ के देखो कहां तक जा रहा है, मतलब कितनी दूर तक वो जा रहा है, ध्यान से देखना वो कितना अपने आप को बिखेर रहा है, कहां कहां जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ताड़ने का मतलब कि कहां कहां जा था वो ताड़े रही है। अब समझ में आई बात, मतलब केयरिंग, देखभाल। ढोलक को पीटने से ढोलक नहीं बजता है। एक तो छोट कलाई का आ जाओ मारे धाप 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 तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जब समझ बूझ करके उसको ठीक तरीके से जब उस पर स्ट्रोक देंगे ना, चोट देंगे, आघात करेंगे, तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो नासमझ लोग हैं, ढोल के बारे में कहा गया कि समझ बूझ के जब बजाओगे तो वो सुखद होगा, अच्छा आवाज निकलेगा। जो ना समझे, गवार मतलब क्या, जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है, मंद बुद्धि समझो इसे, तो मंद बुद्धि का देखभाल नहीं करोगे तो कहीं जाकर के कट मर जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो उसका भी देखभाल करना चाहिए। शूद्र, शूद्र मतलब क्या होता है, जो जो सेवा करने वाले लोग हैं। अब जातिगत शूद्र की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने सुना होगा इस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हम राजनीति बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि अब ऑफिस में सरकारी लोग समय पर आने लगे हैं। स्कूलों में जो लोग एक एक घंटा लेट से पहुंचती थी, मास्टराइन लोग वो भी अब समय से पहुंचती हैं कि कब चेक इन आ जाएगा। समझ में आई ना, तो जो सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे वो किचन में काम करने वाले लोग हैं, चाहे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं सब शूद्र की श्रेणी में आते हैं। सेवा की कैटेगरी अलग अलग है, कोई फिजिकली सेवा कर रहा है, कोई मेंटली सेवा कर रहा है, ठीक है ना, कोई बुद्धि से सेवा। आपको क्या लगता है, जो अध्यापक पढ़ाते हैं बच्चों को वो सेवा नहीं है?
सेवा का मतलब होता है कि किसी को अपने साधन अपने ज्ञान के माध्यम से उसका पालन पोषण करना, उसको और मजबूत बनाओ, उसको काबिल बनाना, उसकी जिंदगी में मदद देना। आपके पास जो खाना बनाने वाली किचन में होती हैं मेड या मतलब खाना बनाने वाले हाँ कुक, तो क्या करते हैं? आपकी जिंदगी आसानी तो करते हैं। अगर हमको स्कूल में अध्यापक न पढ़ाए तो हमारी जिंदगी कहाँ आसान होगी, बेरोजगारी के शिकार होंगे और फिर खाने को भोजन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप उन पर ध्यान नहीं रखोगे तो बताओ वो समय पर काम करेंगे? वो दूध गिलास लेके धुलते ही रहेंगे 2 घंटा तक, पानी भी बर्बाद होगा। तो इसलिए उन पर नजर रखना चाहिए। तो ढोल हो गया, गवार हो गया, शूद्र हो गया, पशु। अब पशु को क्या मालूम है, उसको भूख लगेगी तो कहीं भी जाकर के खाएगा, चाहे वो अपने मालिक का खेत हो चाहे दूसरे के खेत में। तो उसके गले में पगहा लगा देते हैं और खूंटे से बांध देते हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं है, किसी का नुकसान कर देगा, ओरहन आएगा, बुरा लगेगा, तो उसका भी देखभाल करना चाहिए। तो ढोल हो गया, गवार हो गया, शूद्र हो गया, पशु हो गया। अब आई बात नारी पे। देखो नारी जो है ना, हमारे हमारे समाज में एक ऐसी संवेदनशील पात्र है ना कि अगर तनिक भी असावधानी उसके साथ कोई कर दिया तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। समझो ऐसे हमारे घर की बेटी है, बहन है, उसको हमने ठीक से रहना चलना फिरना बात करना नहीं सिखाया और जा करके बाजार में मन ही है, पता नहीं कब किसके मन में कौन सा ख्याल आए, और ऊट पटांग ढंग से अगर वो रह रही है तो बाद में जो उसके बारे में लोगों के दिमाग में धारणा बनेगा, वो कहीं न कहीं जब उसकी शादी होगी, जब वो ससुराल जाएगी तो उसके साथ उसको नुकसान पहुंचेगा। हमारी बात समझ में आई ना? इसलिए अपने घर में बच्चों को तो छोड़ दो, हाँ बच्चों का कुछ नहीं होगा, रात को 12 बजे भी रेलवे स्टेशन पे सो जाएंगे, उनका क्या होगा? अधिक से अधिक होगा तो कोई किडनैप कर ले जाएगा, तब जब आप बहुत धनवान होंगे तब। लेकिन अगर हमारे घर की बहू बेटी धनवान हो चाहे गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अकेले वो कहीं है तो उनके जीवन पर, उनके चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर खतरा है। इसलिए कहा जाता है कि कभी इन्हें अकेले कहीं मत भेजो, कोई साथ हो इनका देखभाल करने वाला। आप लड़ नहीं सकते, कूद नहीं सकते। मान लो आप साड़ी पहन करके जा रही हो ट्रेन में, हाँ कोई आपको चोर मतलब पीछा ही करने लगा, कितना दौड़ के भागोगी, गिर कर जाओगे साड़ी में फंस के। तो कोई अगर देवर पति भाई पिता रहेगा साथ में तो फिर बचा तो लेगा ना आपको। हमारे जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें आप एक बात समझिए कि स्त्री के लिए विशेष तौर पर यह विधान है कि उसको बहुत स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एकदम स्वतंत्र हो गई ना तो फिर ही है, वो बुद्धि फिर जाएगी। ये सारी बातें कौन कहता है? तुलसी बाबा नहीं कहते हैं, समुद्र देव कहते हैं कि हम क्या करें। आपने हमारा विधान बनाया कि हम सागर हैं, अगर सागर की तरह नहीं रहेंगे और कोई आएगा कहेगा सागर हटो मुझे जाना है उस पार, तो मेरा कोई वजूद रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, भगवान बड़े दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं उसको। भगवान को वही बात वो भी बताते हैं सागर, जो जामन जी बताते हैं कि नल नील नाम के 2 वानर हैं, उन्हें अगर आप बुला लेते हैं तो आपको पार लगाने में, पार करने में उनका बड़ा योगदान हो सकता है।
उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि नलनीन नाम के दो बानर बहुत चंड थे, चंड जलविद्धर। तो इनका घर भी वही समंदर के किनारे था, उसी किनारे समंदर के कुछ संत महात्मा रहते थे। तो जब वो लोग कभी जाते थे कुटिया से बाहर ना, तो उनका सारा सामान निकाल करके कुटिया से और पानी में फेंक देते थे। और महात्मा लोग बड़े परेशान हो जाते थे। अब देखो छोटे बच्चे को, मान लो कि आपका बच्चा आपके घर हम भोजन पे गए और हमने प्यार से लिया या आपने दे दिया किसे, अपने छोटे से बच्चे को, और पकड़ के हमारा दाढ़ी मोच डाला, हाँ तब हम उसको चटकन थोड़े ना मार सकते हैं। हमको कहना, हमको तो गुस्सा भी आएगा तो मुस्कुराना पड़ेगा, लड़के तो ऐसे करते ही हैं। तो इसलिए महात्मा लोग ऋषि लोग जो है न तो दंड दे सकते हैं और न उसको बुरा भला कह सकते हैं, बस इतने चाहिए कि बोले कि आज के बाद तुम जो कुछ भी फेंकोगे अपने हाथ से छू करके ना समंदर में, वो सब ऊपर तैरता रहेगा। तब से वो जो कुछ भी फेंकते थे वो तैरता रहता था, महात्मा लोग जा करके और उसमें से निकाल लाते थे और फिर अपना काम धाम करते थे। आपको मालूम होना चाहिए समंदर में कुछ भी फेंको ना तो बीच में नहीं रहता, लहर चलती है और फिर किनारे आके टिक जाती है चीजें। भगवान यहाँ पर वही रामेश्वर भगवान का स्थापना करते हैं। रामेश्वर मतलब जो राम के ईश्वर है, अर्थात राम के ईश कौन है, भगवान भोलेनाथ। और उसकी महिमा का बखान है, आइए सुनते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहि ते तनु तज मम लोक सिधरहि, जो गंगा जलु आनि चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावहि। जो कोई मेरे द्वारा स्थापित भगवान शिव के इस स्वरूप का आकर दर्शन करेगा वो मेरे लोक में निवास प्राप्त करेगा, और जो यहाँ पर गंगा जल आके चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। सायुज्य मुक्ति मतलब ये होता है कि मेरे साथ उसका जो स्वरूप है ना वो एक हो जाएगा, मतलब मुझ में वो मर्ज हो जाएगा। जैसे पानी को, छोटे पानी को बड़े पानी में डालोगे ना तो घुल जाएगा आपस में, और छोटा पानी बड़ा पानी नहीं रहेगा, सिर्फ पानी ही पानी रहेगा। होई अकाम जो छल तज से भगति मोरी ते शंकर दे। से तू जो दर्शन करही सो बिनु शम भव सागर तरी। राम बचन सब के जिया भाए मुनि बरनी आश्रम आए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।